दिल्ली में ताजी हवा का इंतजाम हो गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली वालों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में एक ऐसा पार्क बनने जा रहा है जो दिल्ली वालों की सांसें लौटा देगा। ये पार्क कोई ऐसा वैसा नहीं, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के टक्कर का होगा। जी हाँ, वही सेंट्रल पार्क जिसे न्यूयॉर्क शहर का फेफड़ा माना जाता है। अब जरा जान लीजिए इस नए प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा। इस परियोजना का नाम होगा सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए 6 सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर विकसित करने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि न्यूयॉर्क में जिस तरह से सेंट्रल पार्क बना है, ठीक वैसे ही सेंट्रल रिज को भी बनाया जाएगा। सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट को लेकर बनी एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आने वाले वन एवं वन्य जीव विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे। दिल्ली में सेंट्रल रिज का क्षेत्रफल 800 हेक्टेयर के करीब है। इसमें बुद्धा जयंती पार्क से लेकर तालकटोरा स्टेडियम और दिल्ली कैंटोनमेंट का क्षेत्र आता है। इसमें से सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट के तहत 423 हेक्टेयर क्षेत्र को रिस्टोर किया जाएगा। सबसे पहले विलायती कीकर के पेड़ हटाए जाएंगे। विलायती कीकर को अंग्रेजी में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये अपने आसपास दूसरी प्रजाति के पौधों को पनपने नहीं देता। इसके बाद स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जिन स्थानों पर विलायती कीकर नहीं है, वहां स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाने का काम शुरू किया जाएगा। सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट के तहत घास का मैदान भी विकसित किया जाएगा। इसे पक्षियों और तितलियों के लिए सफारी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आसपास के पार्क भी शामिल किए जाएंगे। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के तौर पर सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली को काफी हद तक प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। ये कमेटी हर 2 हफ्ते में एक बार मीटिंग करेगी। इसका काम प्रोजेक्ट की निगरानी करने के अलावा समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट को पूरा करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्रोजेक्ट के निर्माण को कराना होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत 5 साल में 423 हेक्टेयर से कैनोपी लिफ्टिंग पद्धति से विलायती कीकर को हटाकर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।